行き先のわからないバスだぞ。कुछ चीज़ें हमारी समझ से परे होती हैं, वैसी ही एक कहानी है ये। आज तो बहुत गर्मी है। आज बस क्यों आई है? कसमा कजामा, तुम समर ब्रेक पे हो ना? हाँ, सही कहा। मुझे याद नहीं था कि आज किंडर गार्डन भी है। किंडर गार्डन नहीं है। नहीं तो रू चौदह मसाओ, अगर तुम बस में रो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं एक रैबिट नहीं हूँ। यहाँ हो क्या रहा है? बू कहाँ है? ये है मेरा स्टाइल। ये नॉर्मल बू है। किंडर गार्डन पीछे छोड़ गया। क्यों? ये डर, हम कहाँ जा रहे हैं? してるくせにどこに行くのか分かってるくせに。मुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है बू? ओ नहीं। मुझे लग रहा है मैं यहाँ कभी आया हूँ। मॉम, डैड, हिमावती और मैं। ये पार्क, ये वही पार्क है जहाँ हम खेल रहे थे। हाँ, ये तो हम हैं जो कल यहाँ पत्थर देख रहे थे। वाह, ये हो सकता है। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ, मैं क्या? ये बस वाला स्टोन। ये वही पत्थर है जो हमने पार्क से उठाया था। तो सिमाई, ये क्या है? इसका मतलब होता है कि जहाँ सब खत्म होता है, ये बहुत बुरा है। मुझे तो ये ज्यादा ही। शायद हम इससे पीछा छुड़ाएंगे तो हम बच जाएंगे।
मैं इन्हें खोई नहीं पा रहा हूँ। अगर हम इस शब्द को मिटा दें। मुझे तो ये जाना ही। शिनचैन इसे पकड़ो। बो नोजी अटैक। इसे सोत रखो। ये मिट गया। हाँ ये मिट गया। बो ये वापस आ गया। हमें इसे दो हिस्सों में तोड़ना होगा। एक्शन केक केक केक। मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे तोड़ सकता हूँ। गुड लक शिनचैन। लगता है ये अंत है। ये तो नॉर्मल पार्क है। मुझे तो ये जाना है। बच्चों इसे ये कभी अनजान चीजें मत उठाया करो। दिस एपिसोड इज डब बाय शिनबॉय एंड डेड टून्स। हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करिए ना और हमारे टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब करिए ना। मैंने लगातार बहुत घंटों तक मेहनत की इसे बनाने के लिए। प्लीज़ प्लीज़ इसे शेयर कर देना ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।